बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे शार्पनेस ऑफ रेजोनेंस एंड क्वालिटी फैक्टर। इसको स्टार्ट करने से पहले हम आपको एक चीज बताना चाहेंगे। देखो बच्चों, एक्चुअली क्या होता है, मैंने ट्यूनिंग सर्किट के बारे में आपको बताया होगा। ये जो एलसीआर का कॉन्सेप्ट है, ये ट्यूनिंग सर्किट में यूज किया जाता है। कोई बच्चा बताएगा ट्यूनिंग सर्किट का मतलब क्या होता है? सर जिसकी फ्रीक्वेंसी चेंज कर सकते हो। हाँ हाँ अच्छे, जो एक्चुअली क्या है, जैसे रेडियो है, रेडियो, ये रेडियो है और ये सिग्नल कैच करता है। जैसे 93.5 रेड एफएम या 104 ये एफएम होते हैं, सुना है बच्चों आप लोगों ने? 93.5 रेड एफएम बजाते रहो, ठीक है। और भी होते हैं, 93.5 क्या होता है बताना? ये 93.5 का मतलब क्या होता है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ 93.5? फ्रीक्वेंसी, क्या होता है 93.5? फ्रीक्वेंसी होती है 93.5, 93.5 मेगाहर्ट्ज, ये फ्रीक्वेंसी होती है। तो अभी इस रूम में, जब जिस रूम में हम बैठे हैं, क्या इस रूम में सारी फ्रीक्वेंसीज आ रही हैं या नहीं आ रही? जैसे कोई एक रेडियो है, उसके एंटीना पे फ्रीक्वेंसी तो सारी पड़ रही होंगी, बट वो कैच एक स्पेसिफिक फ्रीक्वेंसी कर रहा है। ये बात समझे या नहीं समझे? जो फ्रीक्वेंसी हम ट्यून करते हैं वही वो कैच करता है। अभी रेडियो चैनल तो सारी फ्रीक्वेंसी छोड़ रहे होंगे, अभी हम इस जिस रूम में आप बैठे हो वहां सारी फ्रीक्वेंसीज अवेलेबल होंगी। बहुत सारे दिल्ली में तो बहुत सारे रेडियो चैनल आते हैं, काफी ज्यादा है, छोटे शहरों में कम होते हैं, अलग अलग शहरों के अलग अलग स्टेशन भी होते हैं, पता है ना बच्चों आप लोगों को ये? तो जैसे दिल्ली में है हम लोग, तो दिल्ली में कई सारे हैं, अगर आप रेडियो को चलाओ तो देखोगे तो कई सारे 93.5, 104, ऐसे कई करके कई सारे आपको रेडियो स्टेशंस देखने को मिलेंगे। बिग एफएम, रेड एफएम, ऐसे कई सारे रेडियो स्टेशंस हैं। तो अब ये रूम में तो सारी ही फ्रीक्वेंसीज आ रही हैं, बट एंटीना एक स्पेसिफिक फ्रीक्वेंसी कैसे कैच कर लेता है? जैसे 93.5 कैसे कैच कर रहा है? 93.5 कैसे कैच कर रहा है? कोई कोई और क्यों नहीं कैच कर ले रहा? सारी फ्रीक्वेंसी आ तो सारी फ्रीक्वेंसी रही है अभी इस टाइम पर। अगर हमने 93.5 मेगाहर्ट्ज ट्यून किया तो वही कैच कर रहा है, तो जबकि एंटीना पे तो सारी फ्रीक्वेंसी पड़ रही है, पर ये कैसे कैच करता है, कैच कैसे करता है, ये हम थोड़ा सा जानते हैं। देखो अच्छा, एक्चुअली क्या होता है कि रेडियो के अंदर हमारा एलसी सर्किट होता है, और होता क्या है कि सिग्नल कैचिंग का जो कॉन्सेप्ट होता है, ईएम वेव को कैच करने का जो कॉन्सेप्ट होता है, उससे सिग्नल लेने का जो कॉन्सेप्ट होता है, वो रेजोनेंस के बेसिस पे होता है। रेजोनेंस का मतलब क्या होता है बच्चों? आमतौर पे अगर हम आपसे पूछें व्हाट इज मीनिंग ऑफ रेजोनेंस, तो रेजोनेंस मतलब जैसे कोई दो दोस्त हैं, वो आपस में रेजोनेंस में रहते हैं। क्यों? क्योंकि उनके विचार मिलते जुलते हैं, मतलब मैच खाते हैं एक दूसरे से। और अगर एक लेमैन या बेसिक लैंग्वेज में देखा जाए तो रेजोनेंस इस चीज को हम बोलते हैं कि सिंक्रोनाइज होना या मैच खाना। तो होता क्या है कि हमें किसी भी सर्किट में, जब अगर 93.5 मेगाहर्ट्ज को रिसीव करना है, तो रिसीवर सर्किट जो एलसी सर्किट होता है, जो हमारा सर्किट होता है, उसमें इसी फ्रीक्वेंसी से इलेक्ट्रॉन को ऑसिलेट कराते हैं। इलेक्ट्रॉन ऑसिलेशन भी इसी फ्रीक्वेंसी से होती है। अगर इलेक्ट्रॉन ऑसिलेशन की फ्रीक्वेंसी सर्किट में सेम हो जाए, तो इलेक्ट्रॉन ऑसिलेशन की वजह से इलेक्ट्रॉन जो, मतलब जैसे एंटीना के अंदर इलेक्ट्रॉन भी इसी फ्रीक्वेंसी से ऑसिलेट करने लग जाते हैं। 93.5 मेगाहर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी से आप एंटीना के अंदर इलेक्ट्रॉन ऑसिलेट कराने लग जाओ, तो जो इलेक्ट्रॉन होते हैं और जो वेव होती है, वो आपस में एक रेजोनेंस अचीव करती है, और वो जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो सिग्नल को रिसीव कर लेते हैं। खैर, ये प्रोसेस बहुत लंबा चौड़ा होता है बच्चों, ये तो बस एक लाइन में बता देने की बात है, तो इतना डिटेल कॉन्सेप्ट हमें बताना आपको ज्यादा नहीं है। आपके दिमाग में भी कई सवाल होंगे इस चीज को लेके कि क्या होता है, कैसे होता है। खैर, ये हमारे सिलेबस में ऐसा कुछ भी है नहीं, मेरे को तो बस ऊपर ऊपर से बताना है कि फ्रीक्वेंसी मैचिंग कराई जाती है। हमारा सर्किट है, मैंने सर्किट वगैरह ड्रॉ करके नहीं दिखाया आपको क्या कैसा सर्किट था, कैसे रिसीव हुआ। मैंने तो बस आपको बताया है कि द फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन शुड बी इक्वल टू द फ्रीक्वेंसी ऑफ ईएम वेव।
दोनों की फ्रिक्वेंसी सिंक्रोनाइज कर जाएगी, तो जो इलेक्ट्रॉन होंगे जो एंटीना में ऑसिलेट करेंगे, एंटीना के बारे में मैं आपको डिटेल विटेल में कुछ नहीं बता रहा हूँ कि कैसे होता है, क्या प्रोसेस होता है, सब कैसे रिसीव करता है एंटीना में वेव को, कैसे इलेक्ट्रॉन रिसीव करते हैं, कैसे सिग्नल रिसीविंग होती है, बस ये आपको बताना है कि सिंक्रोनाइज हो जाएगा अगर इलेक्ट्रॉन की ऑसिलेशन एंटीना में और वेव वेव की फ्रिक्वेंसी सेम रहेगी, तो इसमें क्या होगा कि वेव जो सर्किट है इलेक्ट्रॉनिक सर्किट है वो उस वेव को कैच कर लेगा। थोड़ा थोड़ा समझ में आया बच्चों, थोड़ा थोड़ा आइडिया लगा? यस सर। डिटेल का तो अभी हमारे सिलेबस में है ही नहीं, ना हमारा भी मतलब बनता है। थोड़ा थोड़ा सा मुझे आपको आइडिया देना है कि कैसे सिग्नल कैच करता है, जो कि मैंने आपको बताया है कि फ्रीक्वेंसी मैच करनी चाहिए, देखा जाए तो मेनली फ्रीक्वेंसी मैच करनी चाहिए। जैसे दोस्त कभी दो दोस्त होते हैं, जब उनकी फ्रीक्वेंसी आपस में मैच करे, अगर फ्रीक्वेंसी नहीं मैच करती तो दोस्त नहीं कहलाएंगे किसी भी तौर पे। तो यहाँ पर भी सिचुएशन ये है कि अगर इलेक्ट्रॉन ऑसिलेशन की फ्रीक्वेंसी सर्किट में मैच करे ईएम वेव की फ्रीक्वेंसी के साथ, तो वो जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो सिग्नल को रिसीव करते हैं। कैसे रिसीव करते हैं, क्या रिसीव करते हैं, कहानी अभी हमारे में है नहीं, क्या कहानी है, बस थोड़ा सा बहुत आइडिया है जस्ट। तो ये ट्यूनिंग सर्किट का कॉन्सेप्ट होता है। कुछ आइडिया लगा बच्चों, थोड़ा बहुत आइडिया लगा आपको? तो एक्चुअली क्या होता है कि हमारे अब क्या है कि हम कैसे फ्रीक्वेंसी चेंज कर सकते हैं, कि किस फ्रीक्वेंसी से इलेक्ट्रॉन को ऑसिलेट कराना है सर्किट में, तो एक्चुअली हमारे हाथ में होता है। जैसे फ्रीक्वेंसी इज गिवन बाय 1/√LC, ये होता है ना आमतौर पर, ये हमारे हाथ में होता है, मतलब ये एक्सप्रेशन होता है। तो देखो बच्चों, अगर देखा जाए किसी एक सर्किट में, फॉर अ सर्किट एल एंड सी की वैल्यू को लेके देखा जाए, ओमेगा की वैल्यू स्पेसिफिक होती है, मतलब अगर एक एल और सी की वैल्यू फिक्स्ड है तो ओमेगा की वैल्यू भी फिक्स्ड होगी फॉर कंडीशन ऑफ रेजोनेंस। बट अगर मान लो कि अगर हम इनमें से कोई चीज चेंज कर सकें, जैसे कि हम सर्किट का इंडक्टर चेंज कर सकें, कैपेसिटर चेंज कर सकें, तो हमें डिफरेंट डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज पे रेजोनेंस मिल सकता है, मतलब हम डिफरेंट डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज पे रेजोनेंस अचीव कर सकते हैं। और रेजोनेंस अचीव कर सकते हैं तो मतलब क्या है कि हम इलेक्ट्रॉन्स को एक तरीके से देखा जाए तो डिफरेंट डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज पे ऑसिलेट करा के रेजोनेंस अचीव कर सकते हैं। मतलब अगर एल और सी की वैल्यू को फिक्स्ड कर दो तो एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी पे ही हमें रेजोनेंस मिल सकता है, बट अगर एल या सी वेरिएबल हो तो अलग अलग फ्रीक्वेंसी पे भी वेरिएबल पॉसिबल हो सकता है, रेजोनेंस पॉसिबल हो सकता है। तो हम ट्यूनिंग सर्किट में यही कॉन्सेप्ट यूज करते हैं कि हम यहाँ पर एल या सी को वेरिएबल इंडक्टेंस या वेरिएबल कैपेसिटेंस के हिसाब से डिफरेंट डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज पे रेजोनेंस अचीव कर सकते हैं। और ट्यूनर होता है बेसिकली, फ्रीक्वेंसी चेंज कर सकता है रेजोनेंस की। तो अगर फ्रीक्वेंसी चेंज होगी तो उससे क्या होगा, अलग अलग फ्रीक्वेंसी पे रेजोनेंस अचीव कर पाएंगे हम लोग और वो डिफरेंट चैनल कैच कर पाएंगे। हेलो। यस सर। यस सर। एक क्वेश्चन दे रहे हैं बच्चे, इसको देखो, तब तक थोड़ा समझ में आएगा, मतलब अभी तो आपको समझ में नहीं आएगा, क्वेश्चन देखो समझ में आएगा। देखो बच्चों, मैंने आपको बहुत ज्यादा डिस्क्राइब नहीं किया है, आप ये क्वेश्चन देखोगे ऊपर से नीचे तक पूरी पढ़ोगे तो आपको थोड़ा थोड़ा आइडिया लग जाएगा कि मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं। एक चीज और ध्यान रखना है, जो सिग्नल कैचिंग का कॉन्सेप्ट है वो सिलेबस में नहीं है, सिग्नल कैसे कैच होता है एंटीना के थ्रू ये सिलेबस में नहीं है, इसलिए मैं ज्यादा डिस्कशन नहीं कर रहा हूँ इस चीज को लेके। रिमूव्ड हो गया सिलेबस से? नहीं बच्चे, है ही नहीं, मतलब 12th क्लास में पढ़ाया नहीं जाता एक्चुअली, कॉलेज वाले में पढ़ोगे आप।
मैं कोशिश करूंगा बच्चों आपको कोई ऐसी वीडियो भेजूं जिससे आप लोगों को थोड़ा क्लेरिफाई हो कि एंटीना से लेके कैसे कहानी बढ़ती है सिग्नल रिसीविंग की, ताकि वीडियो से देखोगे तो ज्यादा आपको क्लेरिफिकेशन मिल जाएगा। मैंने आपको दो तीन वीडियो भेजी थी अभी भी, कैपेसिटर की भेजी थी, LCR वगैरह की भेजी थी। हुआ बच्चों, समझ में आया? कुछ क्वेश्चन कैसे करोगे बताओ, कुछ आइडिया है? हेलो, कोई बच्चा बताएगा कैसे करोगे? हेलो बोलो बोलो बच्चों बोलो। सर आप बता दो। ये यूज करना है सर, आके समझ आ गया। ये यूज करो बच्चे, ये कैलकुलेटर यूज कर लो भाई, आंसर बता दो जल्दी से, क्या आया रेंज? हेलो बच्चों, सर 1 मिनट। सर C1 198 आ रहा है, रेंज आ जाएगी बच्चों, निकाल लो। मैं आपको एक वीडियो सेंड कर रहा हूँ बच्चों, ये वीडियो देखना है, MIT की है ये वीडियो, तो ये वीडियो जरूर देखना बच्चों। इससे ना आपको थोड़ा आइडिया लगेगा कैसे
सर्किट में सिग्नल इश्यू होता है, ऑल्दो नहीं समझ में आए तो मत देखना, हमारे सिलेबस का नहीं है ये हिस्सा, पार्ट नहीं है। बट अगर क्यूरियोसिटी है, आप चाहते हो ये देखना कि कैसे सिग्नल रिसीविंग का कॉन्सेप्ट होता है, तो आपको इस वीडियो से जो मैंने भेजी आपको थोड़ा आइडिया लगेगा कैसे सिग्नल रिसीव होता है, कैसे क्या होता है आगे, कैसे कैसे एलिमेंट्स होते हैं, एंटीना कैसे काम करता है, और भी वीडियोस अवेलेबल हैं जो हमने नहीं पता है आपको। समझ में आया तो रेंज आ जाएगी। अच्छा क्या रेंज आएगी बताना, कहाँ से कहाँ तक बताना, दो वैल्यूज आएंगी बताना सर, 198 और 88.02 आ रहा है। क्या कोई यूनिट आ रही है, माइक्रोफैराड क्या आ रही है, माइक्रो क्या आ रही है, माइक्रो या क्या है, कैपिटल एफ नहीं बच्चे, कुछ माइक्रो माइक्रो आएगा यहाँ पे, ऐसा ही आ ही नहीं सकता। माइक्रो हेनरी लगाया आपने सर? मेरा 1.9 × 10⁻¹⁰ f माइनस 10 ना, वही तो कह रहा हूँ। माइनस 10 कितना आता ना, कहाँ से कहाँ तक आ रहा है आपका, क्या क्या वैल्यू आ रही है? और सर C2, हाँ बताओ बताओ C2 क्या आ रहा है, बोलो सर, बोलो, बोलो, सर एक मिनट खेल। एक वीडियो भेजी हो चुका MIT की है, जरूर देखना, इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी की है। सर C2 मेरा 88.02 pf, हाँ हाँ pf में आएगा, चल सही कह रहे हो, पिको फैराड में आएगा। चलो ऊपर वाले को भी कर लेते हैं pf में। वो कितना है, वो कितने में आया बताना, 100 सर 198.4 ठीक है, अच्छा है मतलब वो ठीक है, समझ में। ये कैपेसिटर की रेंज होगी, मतलब वेरिएबल कैपेसिटर लगाया हुआ है हमने, कैपेसिटर चेंज हो सकता है, तो जब कैपेसिटर की वैल्यू चेंज करते रहेंगे तो अलग अलग फ्रीक्वेंसी पे हमें रेजोनेंस मिल सकता है, अलग अलग फ्रीक्वेंसी पे रेजोनेंस मिलेगा तो वो अलग अलग सिग्नल कैच कर सकता है। और अगर आपको ज़्यादा डिटेल देखनी है तो मैंने आपको कुछ वीडियो भेज दी है, उस वीडियो में एक दो वीडियो और भेज दूंगा ताकि आपको थोड़ा सा डिटेल में समझ में आए, जो कितना हमारे सिलेबस में नहीं है। ठीक है बच्चों, कोई डाउट किसी को? नो सर। ठीक है अच्छी, तो ये देख लेना बच्चों, इस तरीके से सर्किट वर्क करता है। मैंने वीडियो भेज दिया अभी, अब सबके व्हाट्सएप पे आ गई होगी अभी अब तक। चलो अब हम आगे बढ़ते हैं बच्चों, और अब हम आते हैं, हमने ट्यूनिंग सर्किट के बारे में थोड़ी सी नॉलेज ली है, बाकी वीडियो देखोगे तो और थोड़ा नॉलेज मिल जाएगा आपको क्या होता है, कैसे होता है। चैप्टर खत्म हो जाएगा? नहीं अच्छे, आज लगभग लगभग खत्म हो जाएगा, ये मान सकते हो। मोस्ट ट्रांसफॉर्मर देखते हैं कितना होता है, नहीं ट्रांसफॉर्मर छोड़ के सब खत्म हो जाएगा, ट्रांसफॉर्मर बचेगा। तो अब हम आगे बढ़ते हैं बच्चे, तो अब हम आते हैं क्यू फैक्टर और शार्पनेस ऑफ रेजोनेंस पे, क्वालिटी फैक्टर एंड शार्पनेस ऑफ रेजोनेंस पे। अब ये क्या होता है, देखो अच्छे होता क्या है कि जब कभी आप किसी सर्किट में रेजोनेंस अचीव करते हो, मतलब जैसे आपने ट्यूनिंग की सर्किट पे और आपको 95 मेगाहर्ट्ज कैच कराना था, आप कैच करा रहे हो, आपका सिग्नल कैच कर रहे हो, आप आराम से रेडियो स्टेशन सुन रहे हो, क्या आपको लगता है वो सिर्फ 95 मेगाहर्ट्ज की फ्रिक्वेंसी कैच कर रहा होगा? क्या थोड़ा बहुत ऊपर नीचे की फ्रिक्वेंसी नहीं कैच कर रहा होगा वो? ऐसा नहीं हो सकता कि जिस फ्रिक्वेंसी पे आप सेट करो वही फ्रिक्वेंसी कैच करे, थोड़ा बहुत वो इधर उधर की फ्रिक्वेंसी भी कैच करता है जो ट्यूनिंग सर्किट होता है। अगर आप सेट करते हो 95 पे तो जरूरी नहीं है सिर्फ 95 मेगाहर्ट्ज ही कैच करे, उसका जो सिग्नल है वो थोड़ी दूसरी वेव्स भी पकड़ लेता है, जैसे 96 मेगाहर्ट्ज भी पकड़ेगा और 94 मेगाहर्ट्ज भी पकड़ लेगा। अगर अच्छी कंपनी का होगा तो ज़्यादा फ्रिक्वेंसी नहीं कैच करेगा, थोड़ी बहुत ही कैच करेगा, और अगर चाइना का ले आए तो भैया वो आपको पता नहीं क्या करेगा, वो आपको एक ही स्टेशन पे कई सारे स्टेशन एक साथ सुना देगा। मेरे पास भी एक रेडियो था चाइना का था, उस पे एक साथ दो दो गाने बजते थे एक ही स्टेशन पे, कोई वजह बताएगा क्यों ऐसा क्यों था, एक ही स्टेशन पे दो गाने क्यों बजते थे उस पे? सर खराब है, शार्पनेस कम थी, शार्पनेस कम थी, मतलब देखो 95 पे 95 भी कैच कर रहा था और बगल वाला चैनल भी कैच करता था, क्या अच्छी बात है कि देखो दो दो एक साथ सुनने को मिल रहे हैं, ये बुरी बात है? लेकिन ये जो रेडियो के वो जो मैनेजमेंट वाले होते हैं वो ऐसे एकदम मतलब पास की फ्रीक्वेंसी सुना देते हैं हर चैनल को बच्चे, कई बार डिवाइस इतना खराब होता है हमारा रिसीवर सर्किट वो कैच करता है, इवन अभी तो आप FM की बात कर रहे हो, AM/VM में तो कैच करता ही करता है, आपको तो शायद नहीं पता होगा, पेरेंट्स से पूछना, एक होता है FM एक होता है AM, उनसे पूछना, AM में तो इतनी बुरी हालत है, होता है ये सब दिक्कत आती है जाती है। खैर वो तो सर होता क्या है, देखो अच्छे जैसे FM होता है, FM चैनल, FM रेडियो बोलते हैं, ऐसे ऑल इंडिया AM भी होता है,
इनके कॉन्सेप्ट अलग होते हैं, ये होता है फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन, ये होता है एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन। पहले वैसे देखो अच्छे रेडियो का जो कॉन्सेप्ट होता है उतना सिंपल नहीं होता जितना हम बता रहे हैं, तभी मैं कह रहा हूँ कि हमारे सिलेबस में इतना है नहीं। और कम्युनिकेशन में हुआ करता था वो भी हट गया, कम्युनिकेशन में थोड़ा बहुत हुआ करता था वो भी हट चुका है एक्चुअल में। तो एएम, पहले एएम सिग्नल आया करते थे, और एएम सिग्नल एक टेक्नोलॉजी थी, एफएम सिग्नल नई टेक्नोलॉजी है कंपैरेटिवली, तो लोगों के पास एफएम नहीं हुआ करते थे, एएम हुआ करते थे। जितनी अच्छी क्लैरिटी से आजकल आप रेडियो स्टेशन सुनते हो उतनी अच्छी क्लैरिटी नहीं आती थी, उतने अच्छे सिग्नल कैच भी नहीं किया करते, कैच भी नहीं किया करते। मतलब पहले के जमाने में लोगों को रेडियो भी ढंग से नसीब नहीं होता था, रेडियो भी साफ नसीब नहीं होता था क्वालिटी में, अच्छी क्वालिटी में। अब रेडियो सुन सकते हैं लेकिन सुनता कौन है? अब एफएम की क्वालिटी आपको बहुत बढ़िया मिल जाएगी बट कोई सुने, अब तो सुनने लायक कोई नहीं, और एफएम कोई सुनता भी नहीं एक्चुअली देखा जाए तो। तो पहले एएम हुआ करता था, एएम अभी भी चल रहा है, ऐसी बात नहीं, गाँव में लोग सुनते हैं, प्रसार भारती वगैरह कुछ चैनल्स हैं जो एएम पे आते हैं अभी भी। और मतलब सस्ता वस्ता या क्या, मतलब क्या होता है दोनों में फर्क? देखो एक्चुअली क्या है कि ये जैसे मान लो एक टेक्नोलॉजी थी पुरानी जिसे एएम कहते थे, वो पहले चला करती थी, उसके बाद नई टेक्नोलॉजी इंट्रोड्यूस हुई एफएम फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन, उसको लाया गया, उसमें कुछ चैनल्स आ गए कई सारे। एएम पे एक्चुअली एएम टेक्नोलॉजी में चैनल ज्यादा नहीं हो सकते थे, एक दो चैनल मुश्किल से आ सकते थे, मुश्किल मुश्किल से जितनी भी फ्रीक्वेंसी बैंडविड्थ है उसमें, क्योंकि उसमें दिक्कत आती थी काफी ओवरलैपिंग की। यही तो एफएम आया, एफएम में काफी सही था, इतना डिजिटली एफएम अच्छा है। अभी भी एएम है, जिनके घर में पुराने रेडियो पड़े होंगे तो एएम और एफएम बटन होते हैं, एफएम चलाना है तो एफएम के सिग्नल कैच करेगा, एएम चलाना है तो एएम के सिग्नल कैच करेगा। एएम के सिग्नल की फ्रीक्वेंसी काफी अलग होती है, कम होती है शायद उसकी फ्रीक्वेंसी कंपैरेटिवली, एफएम की फ्रीक्वेंसी काफी ज्यादा होती है, मेगाहर्ट्ज़ में होती है। एएम की फ्रीक्वेंसी जब चलाओगे तो चैनल बहुत गंदा कैच करेगा आज के जमाने में भी, क्योंकि गवर्नमेंट एएम के सिग्नल भेजती है, एएम के सिग्नल अटेन्यूएशन हो जाते हैं, मतलब वीकली पहुंचते हैं, इतना स्ट्रॉन्ग नहीं पहुंच पाते अच्छे से। और गांव गाँव में लोग एएम सुनते हैं, अभी भी एएम सुनते हैं, प्रसार भारती सुनते हैं, मतलब कुछ वैसे सन। और वैसे रही बात एफएम की, तो एफएम सिर्फ अच्छे से सिटीज में ही आता है बच्चों, बाकी जाओ आप गाँव में एफएम नहीं कैच करता है। एफएम के चैनल सिर्फ एफएम वाले जो होते हैं, रेडियो स्टेशन वाले होते हैं, सिर्फ सिटी में ही, उनकी एंटीना की जो ट्रांसमिशन रेंज होती है वो कम ही होती है। दिल्ली दिल्ली में आएंगे आपको चैनल बाहर चैनल नहीं दिखाई सुनाई देंगे, समझे इस बात को आप? दिल्ली में तो फोन में भी रिसीवर लगे होते हैं। क्या बच्चे, क्या बच्चे? फोन में भी एफएम चलता है तो उसमें भी रिसीवर लगे होते हैं। हाँ हाँ उसमें भी होता है, वो फोन का जो रिसीविंग सर्किट होता है वो बहुत ज्यादा छोटा होता है, अच्छे सब मिनिएचर सर्किट होते हैं सारे के सारे फोन में, तो सारे ओरल मिनिएचर सर्किट होता है, तो इतना बड़ा वो LCR LCR मतलब ये सब जो लफड़ेबाजी इतनी सारी नहीं होती, छोटे मोटे में वो छोटे छोटे सर्किट, छोटे छोटे एलिमेंट लगे होते हैं बहुत ज्यादा। अभी तो फोन काफी महंगा आता है अच्छे, आप ये देखो 20-30 हज़ार के फोन आ रहे हैं, 1 लाख की तो बाइक, मतलब इतने की तो बाइक की कुछ बाइक आ जाती इतनी बड़ी, क्योंकि वो मिनिएचर सर्किट है, महंगे महंगे पड़ते हैं। फोन कहने के नाम पे देखा जाए तो एक छोटा सा डिवाइस है और महंगा महंगा बहुत आता है, बताओ इतना छोटा सा डिवाइस है। हाँ अच्छा वही, वो तो आईफोन की तो बात ही मत करो, 64 GB का वेरिएंट, क्या बात। हाँ कोई नहीं बच्चे, पहले आप नॉर्मली अगर देखो तो नॉर्मल फोन भी तो 10 हज़ार रुपए का आई रहा है, शाओमी का भी 10 हज़ार का कम है क्या, 50-60 हज़ार में तो बाइक आ जाती है। अब बताओ बाइक तो इतनी बड़ी, टायर लगा हुआ है, सब कुछ लगा हुआ है, गद्दी लगी हुई है, सब लगा हुआ है, फोन फोन में कुछ खास थोड़ी है, फोन उड़ता चलता थोड़ी है, अपनी एक ही जगह पे रहता है बस, बट उसमें मिनिएचर एलिमेंट्स है सारे के सारे। खैर अब आगे डिस्कस करते हैं बच्चों, स्प्लेंडर ही आती है 50-60 हज़ार। हाँ वो तो ठीक है, वो तो मेरे को पता है बच्चों, बट फिर भी मतलब एक बाइक आ तो रही है ना बच्चे, एक बकायदा एक बाइक आ तो रही है 60 हज़ार रुपए में, टैक्स सरकार लेती है बच्चे बहुत ज्यादा, वरना अच्छी अच्छी बाइक भी आ जाए 50-60 हज़ार में, 18-28% GST लगता है, वरना रोड टैक्स लगता है, सब टैक्स लगते हैं, वरना नहीं है। फोन पे इतने टैक्स थोड़ी लग जाते हैं, फोन को तो फिर भी सब फोन को रिबेट नहीं, उल्टा और रिबेट दी गई है इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग के लिए, उल्टा फोनों को तो और रिबेट दी गई सस्ते फोनों को। चलो आगे बढ़ते हैं, खैर इतना डिस्कशन का फायदा नहीं है। तो अच्छा देखो एक्चुअली क्या है कि हम जो सिग्नल कैच कर रहे हैं वो 95 के अलावा दूसरी किसी को भी कैच कर ले रहा है, जो कि ठीक नहीं है, और ऐसा एक्चुअली होता नहीं है। वो जो जो सिग्नल कैच करते हैं वो अलग अलग और फ्रीक्वेंसी भी कैच कर रहा होता है, जैसे कि 95 मेगाहर्ट्ज कैच करवा रहे हैं, 96 भी कैच कर रहा है,
97 मेगाहर्ट्ज भी कैच कर रहा है, 98 मतलब अलग अलग और भी फ्रिक्वेंसी कैच करता है, बट हम वो सिग्नल जो काफी ठीक ठाक स्ट्रेंथ में आ रहे हैं, रिसीव हो पा रहे हैं, उन्हीं को कंसिडर करते हैं, और जिन सिग्नल की स्ट्रेंथ वीक होती है उनको कंसिडर नहीं करते। जैसे मान लो यहाँ पर हमने 95 सेट किया है, 95 तो कैच कर ही रहा है, अगल बगल की फ्रिक्वेंसी भी कैच कर रहा है, 97 भी कैच कर रहा है, बट उसका स्ट्रेंथ इतना अच्छा नहीं है, तो हम आगे की फ्रिक्वेंसी को कंसिडर नहीं करेंगे। ऐसे ही यहाँ पे भी अगर जो फ्रिक्वेंसीज हैं जो वीक कैच हो रही है उनको कंसिडर नहीं करेंगे, जो मेन मेन फ्रिक्वेंसीज हैं जो काफी अच्छी स्ट्रेंथ में कैच कर रही है उन्हीं को कंसिडर करेंगे। तो एक टर्म यूज करते हैं हम, उसे कहते हैं बैंडविड्थ, बैंडविड्थ। जैसे मान लो कोई एक सिग्नल है जो जैसे कोई एक सिग्नल रिसीव हो रहा है हमारा, और वो 95 से लेके 96 मेगाहर्ट्ज तक कैच कर रहा है, या फिर एक्चुअली एक अजीब सी चीज भी होती है अच्छा, कि जैसे आपने ये भी देखा होगा कि ट्यूनिंग सर्किट में अगर आप 94 मेगाहर्ट्ज चलाओगे तो भी 95 वाला कैच करता है, और 96 पे जाओगे तो भी 95 वाला कैच करता है, तो ये इस रेंज में वो कैच कर रहा है। तो अगर अपर लिमिट को लोअर लिमिट से माइनस कर दें तो यहाँ 2 मेगाहर्ट्ज की बैंडविड्थ आ गई, ये आ गई बैंडविड्थ, बैंडविड्थ। तो ऐसा कहा जाता है कि बैंडविड्थ जितनी बड़ी होती है उतना शार्पनेस कम होती है, कम शार्प होगा, क्योंकि लाइफ में भी कहा जाता है जितना आपका ध्यान ज्यादा जगह भटका हुआ होगा आप डिस्ट्रीब्यूटेड होगे उतना आप कम फोकस्ड होगे। तो अगर बैंडविड्थ ज्यादा होगी तो क्वालिटी कम हो जाएगी, मतलब एक इसे कहते हैं क्वालिटी के बारे में डिफाइन करते हैं रिसीविंग क्वालिटी के बारे में। तो ऐसा नहीं होना चाहिए जो अगर जिस फ्रिक्वेंसी पे आप ट्यून कर रहे हो उस पे वही फ्रीक्वेंसी कैच करनी चाहिए, अगल बगल की फ्रीक्वेंसी ना कैच करे, या इवन ट्रांसमिशन के बारे में भी आप अगर आप जिस फ्रीक्वेंसी पे ट्रांसमिशन कर रहे हो, जैसे आप चाहते हो कि कोई सिग्नल 95 पे जाए तो 95 पे जाना चाहिए, ऐसा ना हो कि वो सिग्नल 96 मेगाहर्ट्ज पे भी जा रहा है 94 मेगाहर्ट्ज पे भी जा रहा है। ट्रांसमिशन के बारे में ये समझो बच्चे, ये क्या इसका क्या मतलब बताते हैं। देखो अच्छा, जब भी कोई सर्किट की बात करते हैं तो ट्रांसमिशन ट्रांसमिटर ट्रांसमिट करता है, रिसीवर रिसीव करता है। दो वॉकी टॉकी की बात करो तो वॉकी टॉकी में एक वॉकी टॉकी ट्रांसमिट करे, एक वॉकी टॉकी रिसीव करे एक टाइम पर अगर हम देखें तो जो ट्रांसमिटर होना चाहिए वो भी एक्यूरेट फ्रीक्वेंसी पे ट्रांसमिट होना चाहिए, और रिसीव होना चाहिए वो भी एक्यूरेट फ्रीक्वेंसी पे रिसीव होना चाहिए, ताकि सिग्नल जो है वो उसकी स्ट्रेंथ अच्छी सी रहे और उसी फ्रीक्वेंसी पे रहे, डिस्ट्रीब्यूटेड ना हो, अलग फ्रीक्वेंसी पे ना जाए, क्योंकि आप उसी फ्रीक्वेंसी से ट्रांसमिट कर रहे हो, उसी फ्रीक्वेंसी पे कैच कर रहे हो, बहुत अच्छा सा सिग्नल कैच कर पाए, वरना उसका सिग्नल वीक आएगा या फिर उतना अच्छा क्वालिटी नहीं मिलेगी आपको। ये समझे इस बात को? हेलो सर, समझ में आया बच्चों? तो ये अब एक्चुअली क्या बच्चों, हमें डेरिवेशन वगैरह नहीं करना है, ऑल तो है इसमें फिलहाल, तो डेरिवेशन वगैरह नहीं करना है, कुछ आता नहीं है ऐसा, तो हमें बस फॉर्मूला बता देना क्या होता है। एक तो क्वालिटी फैक्टर या शार्पनेस ऑफ रेजोनेंस की बात करें, उसका मेन फॉर्मूला होता है वो फ्रीक्वेंसी जिस पे आप स्केच कर रहे हो अपॉन बैंडविड्थ। अब ये कैसे हुआ? देखो जो फ्रीक्वेंसी पे हम कैच कर रहे हो उसे हमें अगर ओमेगा नॉट लिख दिया, तो अपर फ्रीक्वेंसी को हमने ओमेगा नॉट प्लस ओमेगा प्लस डेल्टा ओमेगा नॉट लिख दिया, और लोअर फ्रीक्वेंसी को ओमेगा माइनस डेल्टा ओमेगा नॉट लिख दिया। जैसे कि ये 95 मेगाहर्ट्ज़ है, ये अपर लिमिट हो गई और ये लोअर हो गया, जो गया। अब इन दो इसको इससे माइनस करेंगे तो बैंडविड्थ मिलेगा इसको इससे, तो ये माइनस कर देते हैं, तो ये 2 डेल्टा ओमेगा आ जाएगा, ओमेगा नॉट 2 डेल्टा ओमेगा आ जाएगा, तो ये आ जाएगा अच्छा, इसे बैंडविड्थ कहते हैं। इसके बारे में बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं, मैं फिर से कह रहा हूँ, कई बच्चों के कुछ थॉट्स होंगे, कुछ चीजें होंगी कि जो उनको लग रहा होगा मैं उनको बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं बता रहा हूँ, है नहीं डिटेल में, होता तो बताता बच्चों, बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा बताने के लिए, मैं वीडियोस दे दूंगा आपको भले ही,
आप उसको आधा एक घंटा बैठ के देखोगे, समझोगे, थोड़ा आपको आइडिया लगेगा, क्योंकि हम आधा अधूरा पढ़ा रहे हैं। आपको साफ एक चीज बता रहे हैं, हम आपको पढ़ाए ढंग से पढ़ा ही नहीं रहे हैं, ये टॉपिक है ही नहीं, आधा अधूरा टॉपिक है, आधा अधूरा पढ़ा रहे हैं। तो क्यू फैक्टर की वैल्यू या क्यू वैल्यू का फॉर्मूले क्या क्या होते हैं, ये है, और एक ओमेगा नॉट एल बाय आर हो जाता है, ये फॉर्मूला डेरिवेशन से आता है। अच्छा, अगर ओमेगा इज इक्वल टू 1/√LC यूज करें जो कि होता है, तो और भी फॉर्मूले आ जाते हैं जैसे कि हमने नोट्स में दिए हुए, तो ये सब फॉर्मूले डेरिवेशन वगैरह करने की जरूरत नहीं आप लोगों को, सिर्फ आप लोगों को देखना है ये फॉर्मूले एग्जिस्ट करते हैं, इम्प्लीमेंटेशन करने हैं। और अभी फिलहाल ज्यादा मत्थापच्ची में मत फंसना बच्चों, अगर मत्थापच्ची करनी है तो फिर वीडियो देख के करना कि कैसे कैच करता है, सब सब समझ नहीं है तो बेसिकली जब ये घूम रहा है तो अरे बच्चे कौन चला रखा है, कौन है? हाँ देखो बच्चे, ये हमारा फॉर्मूलेज है जो कि है क्वालिटी फैक्टर के फॉर्मूलेज है। नीचे इसका डेरिवेशन है जो कि अभी मैं नहीं करा रहा फिलहाल, इस टाइम पे कोई रिक्वायरमेंट नहीं है इसकी, ये रहा बस। अब देखो बच्चों एक चीज और बता देते हैं कि जैसे एक दो चीजें और बताने की, जैसे कि एक ग्राफ है ये करंट वर्सेस फ्रीक्वेंसी का ग्राफ है, तो कोई हमारा जो ट्यूनिंग सर्किट है उसके बारे में अगर हम बात करें तो उसका क्वालिटी फैक्टर है ओमेगा नॉट एल बाय आर। तो मान लो बच्चों हमारे पास दो ट्यूनिंग सर्किट्स हैं, आप दो रेडियो खरीद के लाए, एक फिलिप्स कंपनी का एक चाइनीज कंपनी का, तो क्या आपको लगता है कि दोनों अच्छा कैच करेंगे? मतलब मान लो एक चाइनीज कंपनी का भी सस्ता वाला बेकार वाला खरीद के लाए, चाइनीज में भी अच्छा वाला नहीं घटिया वाला खरीद के लेके आए, तो आप चैनल तो एक ही कैच कर रहे होगे बट दोनों में क्वालिटी में फर्क होगा, क्योंकि दोनों जो डिजाइंड होंगे वो अलग अलग तरीके से डिजाइंड होंगे, क्योंकि किसी को डिजाइन करने में फर्क भी होता है कि कैसे आप उसे यूज कर पा रहे हो। जैसे कि एप्पल है भले ही बहुत महंगा होता है, उसके कुछ फीचर्स ऐसे हैं बच्चों, ऐसा डिजाइन किया जाता है कि कुछ फीचर बहुत अच्छे भी होते हैं, मतलब काफी कुछ चीजें बहुत बहुत बढ़िया होती हैं जो दूसरे फोन्स में अवेलेबल नहीं होती हैं उसकी कंपैरिजन में, ठीक है, उसकी कुछ चीजें बहुत ही अच्छी होती हैं। तो जैसे मान लो कि ये हमारा दो सर्किट्स हैं और एक ही फ्रिक्वेंसी कैच कर रहे हैं, और उनका अगर ग्राफ देखें तो ऐसा ग्राफ आ रहा है दो सर्किट्स का, ये आई ओमेगा ग्राफ है। तो आई ओमेगा ग्राफ शायद मैंने आपको बताया या नहीं बताया, बताया बच्चों आई ओमेगा ग्राफ बताया मैंने, आई ओमेगा ग्राफ, हेलो 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 हेलो, देखो बच्चे आई ओमेगा ग्राफ देख लो बच्चे एक बार। एक्चुअली क्या है कि आमतौर पे दो ग्राफ इंपॉर्टेंट होते हैं एलसीआर सर्किट में, एक करंट वर्सेस फ्रीक्वेंसी ग्राफ एंड एक इम्पीडेंस वर्सेस फ्रीक्वेंसी ग्राफ। तो होता क्या है बच्चों, जैसे कि हम जानते हैं कि इम्पीडेंस होता है अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स एल माइनस एक्स सी का स्क्वायर, तो जब रेजोनेंस होता है तो ये जीरो हो जाता है, और उस टाइम अगर जेड और ओमेगा का ग्राफ देखें तो ये ग्राफ आता है, जेड ओमेगा ग्राफ ऐसा देखने को मिलता है, मतलब कि रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी पे सबसे कम अपोजिशन होती है सर्किट में, और अदर देन रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी सर्किट में अपोजिशन काफी ठीक ठाक होती है ओमेगा नॉट है। बोलो छोड़ को डाउट, बोलो 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 बच्चों बोलो, नो सर नो डाउट सर। और अगर ठीक उसी के साथ का उसी पे अगर उसी का आई ओमेगा अगर आप ड्रॉ करें तो ऐसा आता है सर, रिजॉइन करना है? हाँ चलिए रिजॉइन करना है, क्यों नहीं करना, ऐसा आता है रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी पे करंट मैक्सिमम होता है, ऐसा ग्राफ आता है।